दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद नवीन जी। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी जो पत्रकार बंधु आए हैं, फोटोग्राफर्स भाई बहन आए हैं, सभी का स्वागत है। सबको नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी और हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी और नवीन कुमार जी, हरीश खुराना जी भी हैं, सभी उपस्थित साथियों, भाई और बहनों, बड़े चालाक हैं केजरीवाल जी। पहले फ्री में पानी बिजली मुहैया कराते हैं और बाद में कहते हैं फ्री में पान खिला दिया और फिर सरकारी सोने की मोहर लगाकर शराब बेच रहे हैं। बड़े चालाक हैं केजरीवाल जी। पहले कहते थे हमारा सरप्लस बजट है और हम सरप्लस बजट की वाहवाही ली और अब उसी सरप्लस बजट में कहते हैं पहले हमने पानी फ्री, बिजली फ्री। बड़े अच्छे मैनेजर हैं। देखो, फ्री बिजली पानी देकर हमारा बजट सरप्लस है और अब इसी सरप्लस बजट का पूरी दुनिया में ढिंढोरा भी पीटा और अब उसी सरप्लस बजट के जो हवा है गुब्बारे की वो खुद ही निकाल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब को माध्यम बना रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उस शराब को माध्यम बना रहे हैं और युवाओं को शराब के नशे की ओर ले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलकर, हर वार्ड में तीन तीन दुकानें खोलकर, अभी 639 दुकानें हैं, बढ़ाकर वो 849 करने वाले हैं। लगभग 88 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बहुत ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गांव का इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, वहां भी उनकी शराब बेचने की तैयारी है। वाह रे केजरीवाल जी, एक्सीलेंट, आपने युवाओं को, अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए युवाओं को माध्यम बनाया है, शराब को माध्यम बनाया है। और हमारे परम पूजनीय सिसोदिया जी, वाह, कह रहे थे हैप्पीनेस क्लास देंगे और वही अब कह रहे हैं अनइक्वली शराब है, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, परम पूजनीय केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पानी का कर देते, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सीवर लाइन का करते, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हैप्पीनेस क्लासेस का करते, जिसकी आप इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन शराब का कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार दिल्ली सरकार, लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन शराब का करने से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी है। और असलियत में आपको बताऊं, असलियत ये नहीं है, असलियत उन्हें सरकार के रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, असलियत है ये पार्टी फंड में बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, असलियत है ये। अभी इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, ये रेवेन्यू पॉलिसी है, ये इनकी न्यू एक्साइज पॉलिसी है और इस पॉलिसी में ये पॉलिसी रेवेन्यू बढ़ाने की नहीं, दिल्ली को बर्बाद करने की पॉलिसी है, दिल्ली को नशे के अंदर झोंकने की तैयारी है। दिल्ली के अंदर 21 ड्राई डे हैं, 21 को घटाकर 3 कर दिए, हो
होली भी पियो, दिवाली भी पियो, गुरु पर्व भी पियो। कोई भी किसी धर्म का पर्व है, शराब बांटने की तैयारी है। शराब बेचकर कोई सरकार अपने रेवेन्यू, अपना खजाना बढ़े, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। कोई दिल्ली में 79 होलसेल की शॉप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। अब नई पॉलिसी में इन्होंने कहा कि सिर्फ एक होगी, और वो एक वो होगी जिसका 250 करोड़ रुपए टर्नओवर होगा, जो नॉन मैन्युफैक्चरर होगा, और वो एक ही पूरी दिल्ली में शराब को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और उसका कमीशन भी 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। यानी यही अगर हम लगा लें तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का यही बड़ा घोटाला है, और वो भी पूरी दिल्ली में 3 ही है जिनका 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर। यानी अब उन 3 में से एक को देने की तैयारी है, पूरी बातचीत हो गई है, और इनके आम आदमी पार्टी अपने खजाने में कैसे अधिक से अधिक दिल्ली को शराब में झोंक कर पैसा कमाए, ये इनका तैयारी है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आज भारत जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड के एज पर खड़ा है, आपको पता 2018 के अंदर भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में आया। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ कि भारत की युवा शक्ति पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक है, जो काम वर्किंग फोर्स है हमारा युवा शक्ति है। चीन ने 1994 में वो खिताब हासिल किया था, और वो आकर 2031 में आते आते उनका वो समाप्त होने वाला है। भारत के अंदर युवा शक्ति 2018 में, आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि आज देश युवा शक्ति के बल पर ही आगे सबसे आगे जाएगा, 2055 तक हमारे पास ये पावर है, और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड की पावर को भारत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसमें काम कर रही हैं, और उनमें जो उनका प्रमुख उद्देश्य है भारत की युवा शक्ति को नशे की ओर धकेलना, नशे की ओर झोंकना। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, परम पूजनीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो लोग कर रहे हैं उसका हथियार माध्यम बन गए हैं, जो दिल्ली के अंदर शराब हर वार्ड में 3-3 दुकानें खुले, 88 ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई भी शराब की दुकान है नहीं, जहां गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी है, क्लस्टर है, जहां पर गांव हैं, रेजिडेंशियल इलाके हैं, जब आप देखिए वहां शराब की दुकानें नहीं है, और जिस दिन उस वार्ड के अंदर 3-3 दुकानें खुल जाएंगी वहां युवा लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप उसी ओर दिल्ली को ले जाना चाहते हैं? गांधी जी की प्रतिमा को पीछे लगाने वाले, तिरंगा हाथ में लेने वाले, आज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और अपनी पार्टी के अंदर फंड रेजिंग के लिए क्या आप इतने नीचे गिर जाएंगे केजरीवाल जी, कि दिल्ली को आप शराब की राजधानी बनाना चाहते हैं? क्या इस कदम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कह रहे कि बहुत से बीजेपी शासित हैं जहां 21 वर्ष है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस दिल्ली के अंदर 25 वर्ष की उम्र हमने नहीं तय की थी, पहले से तय थी, अगर यूपी के अंदर उम्र तय थी तो पहले से तय थी, और हिमाचल के अंदर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने माइनर को शराब बेचना और पीने के लिए उन्होंने कड़े कानून बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी शराब को हथियार नहीं बनाती है। शराब समाज की बुराई है, शराब जो लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए इस पॉलिसी में, इस पॉलिसी के बाद इस पॉलिसी में लिखा है कि शराब बेचने के विज्ञापन कोई अब सोडा
पानी का विज्ञापन नहीं होगा, डायरेक्ट होगा आप शराब का विज्ञापन। कोई भी शराब कंपनी विज्ञापन कर सकती है। और तो और इस पॉलिसी के अंदर नए स्कूल शराब कैसे पिलाई जाए, वो नए स्कूल खोलने की तैयारी है। 5 नए स्कूल खोलेंगे और उसमें बताया जाएगा कि युवकों को शराब पिलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। शेम ऑन केजरीवाल जी, ऐसी दिल्ली, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सत्ता कभी भी नहीं चाहिए जिसमें कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री शराब को हथियार बनाए। और वो कहे शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस गांधी जी की तस्वीर वो लगाते हैं, महात्मा गांधी ने कहा शराब अवगुण नहीं है, शराब अवगुण नहीं बल्कि एक बीमारी है। ये उन्होंने यंग इंडिया में 12 जनवरी 1928 को कहा था। उन्हीं महात्मा गांधी का सहारा लेते आम आदमी पार्टी के लोग। और महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर हमें एक दिन के लिए संपूर्ण भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं बिना शर्त सभी शराब की दुकानों को बंद कराऊंगा। और ये महात्मा गांधी की इच्छा थी, इसीलिए संविधान की आर्टिकल 47 में इसको शामिल किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें ये मेंशन है साफ कि राज्य मादक पदार्थ, मादक पेय हो या हानिकारक औषधियों के प्रतिबंध के लिए, उनके उपयोग के प्रतिशोध के लिए वो वचनबद्ध है। अगर कोई राज्य ही ऐसी पॉलिसी बनाए, आप देखिए कितना, जो लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा को पीछे लगाते थे, झूठ की बातें करते थे और आज वो शराब के सौदागर बन गए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पर शर्म आती है जो दिल्ली के अंदर सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दिल्ली की माताओं की गोद सूनी करने की तैयारी है, बहनों का सुहाग छीनने की तैयारी है, युवाओं का रोजगार छीनने की तैयारी है और दिल्ली के अंदर क्राइम का खुला खेल करने की तैयारी आज दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली की इस नई एक्साइज पॉलिसी का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं, 639 शॉप्स हैं, 640वीं दुकान नहीं खुलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है। और ये झूठ जो मुख्यमंत्री जी प्रचारित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 850 नई दुकानें नहीं खोलेंगे, ये 639 दुकानें की 849 करने की तैयारी है। आप इसके अलावा मॉल्स में भी चला रहे हैं, आप इसके अलावा बार में भी चला रहे हैं, हर जगह ये शराब परोसने की नीति, भारतीय जनता पार्टी इसको विरोध करेगी, जन जन तक ले जाएगी और इसको किसी भी कीमत पर हम नई शराब की दुकानें खोलने नहीं देंगे। यही बात मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी, मीडिया प्रमुख श्री नवीन जी, श्री हरीश पुराला जी, 5 नए सेंटर खोलने की तैयारी है इस पॉलिसी में लिखा है। युवाओं को बताया जाएगा कैसे पी जाए शराब। ये मैं आपको हंसी नहीं है, आप देखिए पॉलिसी आपको कॉपी देंगे।
देखिए, हम लोग एलजी साहब के पास गए हैं, उनको हमने दरख्वास्त दी है कि इस पॉलिसी को तुरंत रोका जाए, और उसी सेम उसी दौरान हम लोग जनता के बीच भी जाने वाले हैं। पब्लिक में तो हम जाएंगे ही, जिस तरह से जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं जनता के द्वारा, महिलाओं का बहुत मुखर विरोध है, और वो कोई भी आज की तारीख में कोई घर की महिला नहीं चाहती कि हमारा बेटा हमारा पति शराब पिए और घर उजड़े। आज क्लस्टर एरिया में आप देखिए, जो शराब पीने से घर बर्बाद होते हैं, क्राइम बढ़ता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। आप देखिए, बिहार जैसा एक ऐसा स्टेट जहां पर उन्हें रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत है, वहां विकास की दरकार ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, वहां शराबबंदी की और उसका फ़ायदा वहां मिला, विकास भी बढ़ा है, क्राइम घटा है। दिल्ली में आप पहले कहते हैं हम सरप्लस बजट है, बाद में बजट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप शराब की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ऑनरेबल एलजी को हम श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में जाकर मिले हैं, हमने कहा है कि नई एक्साइज पॉलिसी को आप अप्रूवल ना दें, और यदि राजवास के बाहर भी हमें इस नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम पक्के तौर पर करेंगे।